हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन बबल टैरो। और मैं हूं आपकी टैरो रीडर सुष्मिता। ऑन दिस चैनल हम करते हैं बहुत वैरायटी ऑफ वीडियोस, पिकर कार्ड्स और उसको कोचिंग, एडवाइजिंग एंड मैं पर्सनल टैरो रीडिंग सेशंस भी करती हूं। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आपने क्यों रीडिंग्स बंद कर दी, प्लीज़ कंटिन्यू। कम्युनिटी सेक्शन में मैंने पोल भी किया था कि मैं वीडियोस को रखूं ना रखूं। आप लोगों ने मुझे बताया है आपको करना चाहिए कंटिन्यू। आप लोगों की ओपिनियन का मैंने पूरा रिस्पेक्ट किया बिकॉज दिस चैनल इज़ फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। ये आप ही का चैनल है, आप ही के लिए यहाँ पे मैं कंटेंट बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ। थोड़ा सा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे ना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, रेजोनेट कर रही हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन है जो आप चाहते हैं। पर्सनल लेवल पे तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन वीडियो में अगर आपको कुछ ऐसा डाउटफुल लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आया जो मैंने बोला, या फिर आपको कुछ वीडियो में ही कुछ चीज़ है जिसके ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो मैं आपको डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकती हूँ। बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिएगा। नेगेटिव फीडबैक है, बहुत बुरा फीडबैक है, कुछ रेजोनेट नहीं किया, वो भी नीचे लिख दो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों को कैसा लगता है। आप मुझे कम्युनिकेट करिए, मुझसे बात करिए। किसी भी रिलेशनशिप का बेसिस कैसा होता है, कम्युनिकेशन। मुझसे प्लीज़ बात करिए, कमेंट्स में बताइए। जब मैं कम्युनिटी सेक्शन में पोल्स डालती हूँ, कंटेंट डालती हूँ, आप मुझे वहाँ पे बताइए। वहाँ पे मैं आपसे डायरेक्टली बात करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पे पोस्ट डालती हूँ। प्लीज़ कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल्स को आंसर करिए। जब मैं पूछती हूँ कि ये वीडियो मैं ला रही हूँ, आप एक्साइटेड हैं या नहीं, आप ये देखना चाहते हैं या नहीं, प्लीज़ चेक इट आउट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो कि आप क्या देखना चाहते हैं। फिर मैं उसी हिसाब से प्लान करती हूँ, उसी हिसाब से वीडियोज़ बनाती हूँ। ऑल राइट, ये प्रिकॉन सिर्फ आप ही नहीं, कोई भी साइन यहाँ पे देख रहा है इस वीडियो को, प्लीज डू दैट। ओके, चलिए कैप्रिकॉर्न, अब चलते हैं आपकी वीडियो में कि जुलाई 2022 कैसा रहने वाला है। ओके, सब्सक्राइब की भी एक तो मांगी नहीं मैंने वो आप कर दो प्लीज, अगर रीडिंग अच्छी लगे तो, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन कॉमेंट्स की तो है, देखो कमेंट करने में हार्डली 10 सेकंड लगते हैं। सब्सक्राइब आप तब करो जब आपको वीडियो को देख के फायदा लगे। ओके, आपको लगे कि आई एम अ जेन्युइन रीडर एंड आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना चाहिए, आप तब करिए। ओके, देखते हैं कि जुलाई 2022 कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न के लिए। जनरल मैसेजेस प्लीज, एंड अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज पॉज दिस वीडियो और ध्यान लगाइए, सोचिए वो सवाल, ठीक है, दैट यू वॉन्ट टू आस्क मी थ्रू दीज वीडियोज। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ डिवाइन से और गाइड से कि मेरे थ्रू वो मैसेजेस चैनल करें। दिस रीडिंग विल बी वेरी हेल्पफुल दैट वेज। अगर आप एक रैंडमली देखते हैं एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए और एक आप एक पर्पज से देखते हैं वीडियो, तब ज़्यादा हेल्पफुल बन जाता है कॉन्टेंट। ओके, देखते हैं जुलाई 2022 के प्रिकॉन के लिए कैसा रहने वाला है। नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ रॉड्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। हैंग्ड मैन की एनर्जी है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। ओके, जब भी हैंग्ड मैन आता है, दिस इज टॉकिंग अबाउट यहाँ पे किसी चीज को लेके रुकावटें थी, हॉल्ट था, वेट था, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, बेकार की चीज़ें बीच में आके रुकावटें क्रिएट कर रही थी और होता होता काम रुक रहा था। ये आपका करियर हो सकता है, ये आपकी रिलेशनशिप होती है, हो सकती है कोई भी चीज़। जो लक फैक्टर होता है ना, जो सिर्फ 10%, तो 10% वाली जो चीज़ होती है लक फैक्टर, 10 भी नहीं कहूँगी, लक तो वैसे इट्स जस्ट 1%, बाकी 99% इज़ वॉट यू डू एंड योर हार्ड वर्क, ठीक है। तो जो 1% में लक था ना, उसने 99% को खराब किया हुआ था, अब वो ठीक होने लग जाएगा। जुलाई का महीना मैं देख रही हूँ अर्थ साइंस के लिए ना ऑल टुगेदर काफी अच्छा है, यानी कि बाकी वर्गो और टॉरस के लिए भी काफी अच्छा था, आपके लिए भी काफी अच्छा है। और मैं क्यों कह रही हूँ काफी अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड की इमेज देखो,
झंडा ऊंचा है, विक्ट्री है, ठीक है। विक्ट्री है तो क्या है? जीत है। यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें जीत है। रुका हुआ काम बन रहा है, अटका हुआ काम चल रहा है। अब जो है चीजें जो पहले डिफिकल्ट थी, अब वो एक साथ सब होने लग जाएंगी। एंड मुझे लगता है कि कोई रिलेशनशिप में भी रुकावट थी, शादी होते होते रुक रही थी, आप लोगों की बात बन रही थी, आपने जैसे कि लड़के वालों को या लड़की वालों को प्रपोजल भेजा, उन्होंने कहा ठीक है इस डेट पे मिलेंगे, ये काम करेंगे, लेकिन होते होते अचानक से फॉल्ट हो गया, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं पता क्या हो गया, एकदम बुक गायब ऐसा हुआ। तो अब वो भी मूवमेंट में आ जाएगा। अच्छी बात यह है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि वो क्या चाहते हैं। अगेन यहाँ विक्ट्री का कार्ड है, ज्यादातर लोगों के केस में विक्ट्री है। आगे बढ़ जाएगी बात शादी की, आपके रिलेशनशिप की, ठीक है। बट ये जनरल रीडिंग है, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ जनरल रीडिंग है, कुछ परसेंटेज रेजोनेट करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसीलिए मैं मेडिटेट करने के लिए भी कहती हूँ, जब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कुछ रेजोनेट करा कुछ नहीं करा। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली सिर्फ आपकी स्टोरी चेक करूँ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब होगा, उसके लिए आप मेरे साथ एक प्राइवेट रीडिंग बुक करिए, जिसका लिंक और डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप नंबर है, मेरा ईमेल है, आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, आप मेरे को कॉल करिए, ईमेल करिए। ऑलराइट, बहुत ही इजी तरीका रखा है हमने, आप बात कर सकते हैं एंड फ्रॉम देयर वी विल स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व विद योर केस पर्सनली। ओके, अब चलते हैं आगे, देखते हैं व्हाट एल्स कैप्रिकॉर्न के लिए जुलाई का महीना और कैसा रहने वाला है। एट ऑफ सोर्ड्स, मन में ना कुछ आपके ऐसा डर तो आ चुका है कि अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा था, अब क्या खास हो जाएगा। मैं बोल तो रही हूँ कि अच्छा हो जाएगा, बट क्या खास हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, अभी तक तो हो नहीं रहा था, झूठ बोल रही हैं, ये हो सकता है, और आप फिर यहीं से वीडियो छोड़ के चले जाएं। तो मन में जो है ना थोड़ी सी एंशियसनेस है, थोड़ा सा डर है, पास्ट में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, चीजें रुकी हैं, उससे मन में डर है। एंड जब चीजें फाइनली होने लगेंगी ना कैप्रिकॉर्न, तो वो एक साथ होने लगेंगी, ऐसा है कि जैसे छप्पर फाड़ के खुशियां मिली, वो वाला महीना है। एंड हैंगमैन फिर से आ गया है, यस, एंशियसनेस ये जो है, जो मन में डर है, जो थोड़ी सी नेगेटिविटी मन में आ गई है, ये उन रुकावटों की वजह से है। और अब ये आपको समझना है कि ये सिर्फ आपके दिमाग में है, एक्चुअल में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ सामने नहीं हो रहा है। अभी देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए रिलेशनशिप्स में क्या मैसेजेस हैं, देखते हैं रिलेशनशिप्स में क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगिनिंग, एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग इन लव दैट इज देयर फॉर यू। नई रिलेशनशिप हो सकती है, अगर आप सिंगल हैं, पार्टनर की तलाश में हैं, तो वो आपको मिल सकता है। जैसा मैंने कहा कि शादी में जो रुकावटें थी वो खत्म हो जाएंगी, और अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, आप अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, तो उस केस में भी ये यस है। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स। अब अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे भी कुछ रुकावटें परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा था, तो एक जील, एक ताकत आपको मिलेगी नेचुरली कि आप इसमें एफर्ट लगा सकें और चीजें सही ट्रैक पे आना शुरू हो जाएंगी। चेक मोर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है जो आपके पार्टनर हैं या जिनके साथ ही अटैचमेंट की बात चल रही है, ये बहुत हाई चांसेस हैं कि एयर साइन है, बहुत, ठीक है। थोड़ा सा इनका नेचर ओवर थिंकिंग वाला है, थोड़ा डिटेल ओरिएंटेड है, जिसकी वजह से ना अभी तक तकलीफों का सामना करना पड़ा। लेट्स सी मोर। सिक्स ऑफ कप्स, बट दे डू लव यू, दे डू लव यू। सिक्स ऑफ कप्स इज ऑल्सो लाइक चाइल्डहुड लव, चाइल्डहुड लव ये वो भी है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, पसंद करते हैं, वो पड़ोसियों वाला प्यार,
वो ये हो सकता है, वो नहीं है. तो दिस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट जो प्यार एक दोस्ती से शुरू होता है. ऑलराइट, सो बहुत ही बढ़िया है. टैरो कार्ड्स को अभी देख लेते हैं कि ओरेकल क्या मैसेज देते हैं. सबसे पहले चेक करते हैं कि जनरली क्या ये मैसेज दे रहा है आपके लिए. हार्मनी, वाओ, हार्मनी का कार्ड आया है. तो दिस इज अ गुड साइन. जो भी रिलेशनशिप, मतलब रिलेशंस आपके, जो जनरल एनर्जी रिलेशंस, काम, एजुकेशन, अगर आप स्टूडेंट हैं, बिजनेस, तो अब वहाँ पे एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा जुलाई के महीने में. तो मन में शांति रहेगी, स्ट्रेस कम होगा, शांति बढ़ेगी. नेक्स्ट, विक्ट्री का कार्ड अगेन देख रहे हो. दूसरे डेक से निकाला मैंने इसको, तब भी विक्ट्री का कार्ड आ रहा है. जीत है हर एक स्फीयर में लाइफ के. अभी रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं. न्यू बिगिनिंग्स अगेन, न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है. एंड दिस इज लाइक अ न्यू रिलेशनशिप कमिंग इनटू योर लाइफ. अगर ओल्ड है तो उसमें एक न्यू बिगिनिंग आ सकती है. एंड अगर आप एक पार्टनर को ढूंढ रहे हैं तो वहां पे भी आपको एक नई शुरुआत मिल सकती है. तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी. प्लीज कॉमेंट करना, प्लीज प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. ये जो हमारे एफर्ट्स हैं जो डिवाइन बबल पे हम लोग आपके लिए करते हैं, उसके लिए एक कमेंट तो बनता है. एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको मेरे सभी नोटिफिकेशंस मिल सकें. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय.